सभी को नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं काव्य प्रयोजनों के बारे में। काव्य प्रयोजन का पहला भाग कल हमने पढ़ा था। कल की क्लास किसी टेक्निकल गलती के कारण लाइव कोर्सेज में नहीं आई है, उसको कंटेंट में डाल दिया गया है। आप कंटेंट में जाकर के कल वाली क्लास देख सकते हैं। काव्य प्रयोजनों में कल हमने आचार्य भरत मुनि के द्वारा प्रतिपादित काव्य प्रयोजनों को पढ़ा था। सबसे पहले काव्य प्रयोजनों का प्रतिपादन आचार्य भरत मुनि ने ही किया था। इन्होंने काव्य के प्रमुखतः 6 प्रयोजन बताए हैं: धर्मम, यशस्यम, आयुष्यम, हितम, बुद्धि विवर्धनम, लोकोपदेश जननम, नाट्यम, एतद् भविष्यति। इसमें 6 मुख्य प्रयोजन इनके द्वारा बताए गए हैं। इन 6 मुख्य प्रयोजनों के अलावा एक सहायक प्रयोजन भी इन्होंने बताया, और वो सहायक प्रयोजन है दुखार्तानाम, श्रमार्तानाम, शोकार्तानाम, तपस्वीनाम, विश्रांति जननम काले, नाट्यम एतद् भविष्यति। अब दोबारा देखिएगा, अब आ जाएगी, दोबारा से चालू कर लें आप। आचार्य भरत मुनि के काव्य प्रयोजन के बाद में दूसरे नंबर पर हम लेते हैं आचार्य भामह के अनुसार। आचार्य भामह के अनुसार काव्य के प्रयोजन क्या माने गए हैं? इन्होंने लिखा है, धर्मार्थ काम मोक्षेषु धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेचक संयम कलासु चे वेचक संयम कलासु चे करोति कीर्तिम प्रीतिम चे साधु काव्य निबंधनम आचार्य भामह के अनुसार काव्य प्रयोजन के संबंध में जो कथन लिखा गया है वो कथन आपके सामने है। कथन क्या है? धर्मार्थ काम मोक्षेषु वेचक संयम कलासु चे करोति कीर्तिम प्रीतिम चे साधु काव्य निबंधनम। इस श्लोक को पढ़ते हैं तो भामह के द्वारा काव्य लेखन के 4 प्रयोजन बताए गए हैं। भरत मुनि ने 6 प्रयोजन बताए थे, इन्होंने 4 प्रयोजन बताए हैं, और वो 4 कौन-कौन से हैं? पहला है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। इन 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति करना, 4 पुरुषार्थों की प्राप्ति के लिए काव्य लेखन किया जाता है। दूसरा है वेचक संयम कलासु, सभी कलाओं में निपुणता प्राप्त करना। वेचक संयम निपुणता, कलाएं 64 प्रकार की मानी जाती हैं, उन सभी 64 प्रकार की कलाओं में निपुणता प्राप्त करना भी काव्य लेखन का प्रयोजन माना गया है। इसके अलावा तीसरा है कीर्तिम, कीर्तिम यानी यश को प्राप्त करना, यश मिलता है। और चौथा है प्रीतिम, प्रीतिम का अर्थ प्रेम भावना या आनंद की प्राप्ति से लिया जाता है कि काव्य लेखन से प्रेम की, आनंद की प्राप्ति होती है। तो लिखेंगी अर्थात आचार्य भामह के अनुसार काव्य लेखन के
काव्य लेखन की प्रमुखतः है चार प्रयोजन माने गए हैं। आचार्य भामह के अनुसार काव्य लेखन के प्रमुखतः चार प्रयोजन माने गए हैं। वो चार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति। काव्य लेखन का भामह के अनुसार सबसे पहला प्रयोजन है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति। दूसरा है सभी कलाओं में निपुणता की प्राप्ति। सभी कलाओं में निपुणता की प्राप्ति करना भी काव्य लेखन का एक प्रयोजन माना गया है। कलाएं कितनी होती हैं? 64 प्रकार की। फिर तीसरा है कीर्ति। कीर्ति का मतलब है यश की प्राप्ति। और चौथा प्रयोजन जो माना गया है वो है प्रीति। प्रीति यानी प्रेम भावना या आनंद की प्राप्ति। काव्य लेखन के भामह के अनुसार कितने प्रयोजन हैं? तो वो चार प्रयोजन आपके सामने आ गए हैं। पहला धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति। दूसरा है सभी कलाओं में निपुणता। तीसरा कीर्ति और चौथा है प्रीति या आनंद। अब अगले विद्वान हैं आचार्य विश्वनाथ के अनुसार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य लेखन का क्या प्रयोजन माना गया है? तो इन्होंने लिखा है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सूखा दलपधिया मपी सूखा दल्प धियामपी काव्या देव यतस्ते ने काव्या देव यतस्ते ने तत् स्वरूपम निरूप्यति। आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य लेखन के क्या प्रयोजन माने गए हैं? उसका उत्तर इन्होंने लिखा है चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही सूखा दल्प धियाम वापी काव्या देव यतस्ते ने तत् स्वरूपम निरूप्यति। इसका मतलब क्या होगा? इनके अनुसार काव्य लेखन के प्रमुख रूप से दो ही प्रयोजन माने गए हैं। पहला है चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति। चतुर्वर्ग के फल की प्राप्ति
और दूसरा है सुखात अल्प धियाम अपि, अल्प धि यानी बुद्धि, कि अल्प बुद्धि लोगों को भी सुख की प्राप्ति हो सके। जो अति बुद्धि है उनको तो सुख मिलता ही मिलता है, काव्य लेखन से मिल जाएगा, लेकिन जो अल्प बुद्धि वाले लोग हैं उनको भी सुख की प्राप्ति हो सके, इसके लिए काव्य लेखन किया जाता है। अब हम पूछे, पहला है चतुर्वर्ग की फल प्राप्ति। ये चतुर्वर्ग क्या है, चतुर्वर्ग से क्या तात्पर्य है? पहला है चार आश्रम, दूसरा है चार वर्ण, तीसरा है चार पुरुषार्थ, चौथा है उक्त सभी। यहां चतुर्वर्ग से क्या तात्पर्य है? चार आश्रम, चार वर्ण, चार पुरुषार्थ या उक्त सभी। तो यहां सही उत्तर है वो तीन नंबर होगा, चार पुरुषार्थों को ही, चार जो पुरुषार्थ है इनको ही चतुर्वर्ग भी कहा जाता है। जो भामे ने लिखा था धर्म अर्थ काम मोक्ष, तो वही बात इन्होंने चतुर्वर्ग शब्द लिख करके कर दी है। दोनों ने चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति को काव्य का प्रयोजन माना है। कभी पूछ लिया जाए कि चारों पुरुषार्थी को काव्य का प्रयोजन मानने वाले विद्वान कौन है, तो भामह भी हुए हैं और भामह के बाद में विश्वनाथ ने भी ऐसा लिखा है कि एक तो चारों पुरुषार्थों के फल की प्राप्ति करना और दूसरा अल्प बुद्धि लोगों को भी सुख प्रदान करना। इन दोनों प्रयोजनों को ध्यान में रखते हुए काव्य का स्वरूप निरूपित किया जाता है या काव्य का लेखन किया जाता है। तो क्या है लिखें इसमें, लिखिएगा अर्थात आचार्य विश्वनाथ के अनुसार आचार्य विश्वनाथ के अनुसार काव्य लेखन के प्रमुखतः दो प्रयोजन माने गए हैं। काव्य लेखन के प्रमुखतः दो प्रयोजन माने गए हैं और वो दो प्रयोजन कौन कौन से हैं? सबसे पहला है चतुर्वर्ग अर्थात चारों पुरुषार्थों के फल की प्राप्ति। चतुर्वर्ग अर्थात चारों पुरुषार्थों के फल की प्राप्ति और दूसरा है अल्प बुद्धि लोगों को भी सुख की प्राप्ति। चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति हो सके और अल्प बुद्धि कम बुद्धि वाले लोगों को भी सुख प्राप्त हो सके, इनको ध्यान में रखते हुए काव्य लेखन किया जाता है। ये प्रमुख दो प्रयोजन माने हैं आचार्य विश्वनाथ ने। भामह के चार प्रयोजन हैं, विश्वनाथ के दो प्रयोजन हैं। अब चौथे नंबर पर आते हैं आचार्य मम्मट के अनुसार।
आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य लेखन के प्रयोजन क्या है? तो इसका उत्तर है, इन्होंने श्लोक जो लिखा है, काव्यम यशसे अर्थकृते, काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे सेवेतर शतये व्यवहार विदे सेवेतर शतये सद्देह परिनिर्वृतये कांता समितयोपदेश युजे काव्यम यशसे अर्थकृते व्यवहार विदे सिवेतर शतये सद्यः परिनिर्वृतये कांता समितयोपदेश युजे। यह काव्य लक्षण किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? यह काव्य प्रयोजन किस विद्वान के द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो इसका उत्तर है, आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य लेखन के ये छह इसमें प्रयोजन माने गए हैं, जो छह प्रकार के हैं कि काव्य रचना की जाती है। पहला है यश से, यश की प्राप्ति के लिए। दूसरा अर्थकृते, अर्थ की प्राप्ति के लिए। तीसरा व्यवहार विदे, व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए। चौथा शिव इतर शतये, यानी अमंगल के विनाश के लिए। पांचवा है सद्यः परिनिर्वृतये, तुरंत आनंदोपलब्धि के लिए। और छठा है कांता के समान उपदेश देने के लिए। लिखे पहले तो इन्हीं को, अर्थात आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य लेखन के प्रमुखतः है छह प्रयोजन माने गए हैं। आचार्य मम्मट के अनुसार काव्य लेखन के प्रमुखतः छह प्रयोजन माने गए हैं। अब वो छह प्रयोजन कौन कौन से माने गए हैं? सबसे पहला प्रयोजन लिखेंगे काव्यम यशसे, पहला प्रयोजन कौन सा है? काव्यम यशसे। इसका मतलब क्या होगा? लिखेंगे अर्थात काव्य यश प्राप्ति के लिए लिखा जाता है। पहला प्रयोजन इन्होंने बताया है, वह प्रयोजन क्या है? यश की प्राप्ति है। कैसे है इसको आप चेंज करके लिख लेंगे, हिंदी साहित्य में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत काव्य की रचना जायसी ने पद्मावत काव्य की रचना
इसी प्रयोजन से की है। पद्मावत काव्य की रचना इसी प्रयोजन से की है। हिंदी साहित्य में जायसी ने पद्मावत काव्य की जो रचना है वो इसी प्रयोजन से की है। इसी शब्द और जोड़ लेना, कैसे की है, क्या लिखा है इस संबंध में। जायसी ने एक जगह लिखा है, क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है, ओ मन जानी, ओ मन जानी कवित असकीना, ओ मन जानी कवित असकीना, मकु यह रहे जगत महचीना। जायसी ने पद्मावत काव्य में लिखा है कि ओ मन जानी कवित असकीना, मकु यह रहे जगत महचीना। कभी आपसे पूछ लिया जाए कि यह पंक्ति, यह जो कथन है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जायसी ने पद्मावत में लिखा है। पद्मावत की वो रचना क्यों करने जा रहे हैं, इस संबंध में लिखा है कि मेरे मन ने यह जानकर इस काव्य की रचना की है। क्या जानकर के, कि मेरा इस जगत में चिन्ह बना रहे, यानी मेरा इस संसार में नाम बना रहे, इस नाम के लिए मैं इस काव्य को लिखने जा रहा हूं। तो पहला प्रयोजन हो गया कि यश प्राप्ति के लिए काव्य लिखा जाता है, ये हिंदी में जायसी का प्रयोजन माना जा सकता है। दूसरा इसका जो प्रयोजन माना गया है वो प्रयोजन मानते हैं कौन सा, उसको लिखेंगे। दूसरा प्रयोजन है काव्यम अर्थकृति। दूसरा प्रयोजन है काव्यम अर्थकृति। इसका मतलब क्या होगा, अर्थकृति का मतलब क्या है, धन की प्राप्ति, अर्थात अर्थात काव्य धन की प्राप्ति के लिए लिखा जाता है। अर्थात काव्य धन की प्राप्ति के लिए लिखा जाता है। पद्मावत में जायसी ने बता दिया कि मैंने यश के लिए काव्य लिखा कि मेरा नाम बना रहे। कुछ कवि ऐसे होते हैं जो केवल धन की प्राप्ति के लिए काव्य रचना करते हैं, उनमें किनका नाम प्रमुख आता है, तो चेंज करके लिख लेंगे। हिंदी साहित्य में बिहारी व केशव दास जैसे विद्वानों ने इसी प्रयोजन से काव्य लेखन किया है। यदि हम बिहारी जी की बात करें तो ऐसा कहा जाता है कि बिहारी को प्रत्येक पद रचना के लिए एक सोने की असरफी, सोने की मोहर प्राप्त हुआ करती थी। तो बिहारी का हर पद लिखने का उद्देश्य एक तरह से क्या हो गया, सोने की मोहर यानी धन को प्राप्त करना। तो ये कुछ कवियों का प्रयोजन है काव्यम अर्थकृति, कि काव्य है वो अर्थ की प्राप्ति के लिए लिखा जाता है। फिर आ जाएं तीसरे नंबर पर,
तीसरा काव्य प्रयोजन आता है काव्यम व्यवहार विदे, काव्यम व्यवहार विदे। इसका मतलब क्या होगा, काव्य क्यों लिखा जाता है, तो लिखेंगे अर्थात काव्य व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए लिखा जाता है, अर्थात काव्य व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए लिखा जाता है। काव्य के पठन से व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, उस व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए काव्य लेखन किया जाता है, ये प्रयोजन भी कुछ कवियों का माना जा सकता है। अब कौन से कवि हैं, वो किस प्रयोजन से काव्य लेखन करते हैं, हिंदी साहित्य में ऐसी कौन सी रचनाएं हमें मिलती हैं जिनमें हम इनको इस प्रयोजन को प्राप्त करें, हिंदी या संस्कृत दोनों में देखेंगे, हिंदी संस्कृत दोनों की रचनाओं में देखें तो लिखें निम्नलिखित काव्य रचनाओं के लेखन का प्रयोजन निम्नलिखित रचनाओं के लेखन का प्रयोजन व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति ही माना जाता है। निम्नलिखित रचनाएं ऐसी रचनाएं हैं जिनके लेखन का जो प्रयोजन हम मानते हैं वो प्रयोजन व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति ही माना जाता है, कि व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति के लिए इन रचनाओं को लिखा गया है। कौन कौन सी ऐसी रचनाएं आ सकती हैं, लिख लें उनमें, जैसे संस्कृत रामायणम, संस्कृत में रामायण के रचयिता कौन है, पोस्ट में नाम लिखेंगे उनका, महर्षि वाल्मीकि, इसी के आधार पर रचना लिखी गई रामचरितमानस, ये हिंदी साहित्य की रचना है, और रामचरितमानस के रचयिता कौन है, तुलसीदास। ऐसे ही देखें तो नीति शतकम, ये भी संस्कृत साहित्य की रचना है, नीति शतकम के रचयिता कौन माने जाते हैं, भर्तृहरि। भर्तृहरि का लेखन का उद्देश्य भी व्यावहारिक ज्ञान प्रदान करना था। ऐसे ही हम देखें पंचतंत्रम, पंचतंत्र रचना किसकी है, पंचतंत्र के लेखक कौन है, विष्णु शर्मा, विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र की रचना भी इसी प्रयोजन से की गई थी। और एक रचना का नाम लिख सकते हैं हितोपदेश, हितोपदेश के लेखक कौन माने जाते हैं, नारायण पंडित, नारायण पंडित। तो ये ऐसी रचनाएं हैं जिनके लेखकों का काव्य लिखने का मुख्य प्रयोजन था कि लोगों को व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति हो सके, इसके लिए इन्होंने काव्य लिख दिया। ये तीसरा प्रयोजन काव्य लेखन का हो जाता है। फिर चौथे नंबर पर आते हैं, अगला काव्य प्रयोजन होता है
काव्यम तिवेतर शतये, काव्यम तिवेतर क्षतये, सिवेतर क्षतये शब्द कैसे बना है इसका संधि विच्छेद करें तो शिव प्लस इतर प्लस क्षतये, शिव इतर क्षतये। अब यहां हम आपसे पूछेंगे बताओ शिव का मतलब क्या होता है, तो यहां शिव का अर्थ होता है कल्याण या मंगल, हमारा मंगल हो वह शिव कहलाता है। इतर का मतलब होता है भिन्न, क्षतिये का अर्थ होता है विनाश, तो इसका पूरे का अर्थ हो जाएगा मंगल से भिन्न का विनाश करने के लिए। और मंगल से भिन्न कौन होगा, अमंगल, मंगल से भिन्न यानी अमंगल, कि किसी अमंगल का विनाश करने के लिए काव्य लेखन किया जाता है। तो लिख लेंगे अर्थात काव्य अमंगल के विनाश के लिए लिखा जाता है, अर्थात काव्य अमंगल के विनाश के लिए लिखा जाता है। कोई भी अमंगल हो जाता है, उस अमंगल का विनाश करना हो तो वो विनाश का मुख्य प्रयोजन हो गया काव्य लेखन, कि किसी अमंगल के विनाश के लिए भी हम काव्य रचना लिख सकते हैं। कौन कौन सी रचनाएं ऐसी हैं जो अमंगल के विनाश के लिए लिखी गई हो, तो इसमें प्रमुख रचनाओं में लिखेंगे निम्नलिखित रचनाओं के लेखन का प्रमुख प्रयोजन निम्नलिखित रचनाओं के लेखन का प्रमुख प्रयोजन अमंगल का विनाश ही माना जाता है। कि अपने किसी अमंगल के विनाश के लिए इन रचनाओं को लिखा गया था। कौन कौन सी ऐसी रचनाएं हैं जो अमंगल के विनाश के लिए लिखी गई होंगी, इनमें लिखेंगे एक नाम तो सूर्य शतकम, संस्कृत की रचना है सूर्य शतकम, भगवान सूर्य की स्तुति में इसमें 100 छंद लिखे गए हैं। यह रचना 7वीं शताब्दी में लगभग मयूर भट्ट नामक विद्वान के द्वारा लिखी गई थी। एक रचना है चंडी शतकम, यह रचना भी 7वीं शताब्दी में ही बाण भट्ट के द्वारा लिखी गई थी। ये दोनों ही राजा हर्षवर्धन के, सम्राट हर्षवर्धन के दरबार में रहा करते थे। एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा में इन दोनों रचनाओं की रचना की गई थी। ऐसा कहते हैं कि किसी कारण से इनको कोई शारीरिक कुष्ठ रोग की प्राप्ति हो गई थी, उस कुष्ठ रोग के निवारण के लिए इन रचनाओं को लिखा गया था। हिंदी में चलते हैं तो नाम आता है हनुमान बाहुक, हनुमान बाहुक किसकी रचना है, तुलसीदास जी की। तुलसीदास जी ने हनुमान बाहुक रचना क्यों लिखी थी, उसके लेखन का प्रयोजन क्या माना जाता है, तो वह है अपनी भुजाओं की पीड़ा को शांत करने के लिए, दूर करने के लिए उन्होंने हनुमान जी की स्तुति में यह रचना लिखी थी। एक आता है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर, रामधारी सिंह दिनकर जी के द्वारा कुरुक्षेत्र जो महाकाव्य लिखा गया, एक तरह से
वह भी युद्धों पर विराम करने के लिए लिखा गया था, इसलिए इसको भी अमंगल का विनाश प्रयोजन माना जा सकता है। ऐसी ही एक रचना है अंधायुग। अंधायुग के लेखक कौन है? धर्मवीर भारती। धर्मवीर भारती के द्वारा भी इस रचना को इसी प्रकार के किसी अमंगल के विनाश के लिए लिखा गया था, तो ये प्रयोजन हो जाते हैं, इन रचनाओं के लेखन का यही प्रयोजन मान लिया जाता है। फिर लिखेंगे पांचवा प्रयोजन, वो है काव्यम सद्देह परिनिर्वृत्तीय। काव्य क्यों लिखा जाता है, उसका पांचवा प्रयोजन मम्मट बता रहे हैं। काव्यम सद्देह परिनिर्वृत्तीय, सद्देह का मतलब क्या होता है? तुरंत। और परिनिर्वृत्तीय का अर्थ है आनंदोपलब्धि या आत्मसंतुष्टि, लेखक को पाठकों को आनंद की प्राप्ति हो। तो लिखेंगे अर्थात काव्य तुरंत, काव्य तुरंत आनंदोपलब्धि, आनंदोपलब्धि या पोस्ट में आत्मसंतुष्टि भी लिख सकते हैं, आत्मसंतुष्टि के लिए लिखा जाता है। काव्य है वो तुरंत आत्मसंतुष्टि के लिए लिखा जाता है, तुरंत आत्मसंतुष्टि प्राप्त करनी हो तो हम इस प्रयोजन से काव्य लेखन कर सकते हैं, तुरंत आनंदोपलब्धि के लिए ये किया जा सकता है। उसके बाद में देखें तो इसमें क्या है, तो लिखेंगे लगभग सभी रचनाओं के लेखन का यह प्रयोजन माना जा सकता है। कोई भी कवि काव्य लिखता है तो उसके लिखने का मुख्य अर्थ, मुख्य प्रयोजन है कि उसको आनंद की प्राप्ति हो सके, खुद को आनंद मिले, आत्मसंतुष्टि मिले और उसको पढ़ने वाले पाठकों को भी आनंद की प्राप्ति हो। इसी प्रयोजन को ध्यान में रखकर लगभग हर कवि काव्य लेखन करता है, तो लगभग सभी रचनाओं के लेखन का यह प्रयोजन माना जा सकता है। इसलिए इस काव्य प्रयोजन को ही इस काव्य प्रयोजन को ही सकल मूलीभूत प्रयोजन, सकल मूलीभूत प्रयोजन या यूं कहें सर्वोत्तम काव्य प्रयोजन भी माना जाता है। आचार्य मम्मट के द्वारा काव्य लेखन के 6 प्रयोजन बताए गए हैं, उन 6 प्रयोजनों में से पूछ लें कि सब सकल मूलीभूत काव्य प्रयोजन कौन सा है, तो उसका उत्तर क्या होगा, वो आ जाता है काव्यम सद्देह परिनिर्वृत्तीय, अर्थात तुरंत आनंदोपलब्धि आत्मसंतुष्टि के लिए काव्य लिखा जाता है। ये सभी कवियों का प्रयोजन होता है, इसीलिए इसको हम सकल मूलीभूत काव्य प्रयोजन या सर्वोत्तम काव्य प्रयोजन भी कह करके पुकारते हैं। कभी प्रश्न ऐसा आ जाए आपके सामने सकल मूलीभूत प्रयोजन कौन सा है, तो वो है सद्देह परिनिर्वृत्ति, तुरंत आनंदोपलब्धि। फिर छठा है
काव्यम कांता समितयोपदेश युजे काव्यम कांता समितयोप देश युजे, इसका मतलब क्या होगा? लिखेंगे अर्थात, अर्थात काव्य कांता, कांता का अर्थ यहां पत्नी ही ले लेंगे, पत्नी के समान उपदेश देने के लिए लिखा जाता है। काव्य कांता के समान उपदेश देने के लिए लिखा जाता है। कांता के समान उपदेश कैसे? कल हमने इसके बारे में चर्चा की थी कि उपदेश तीन प्रकार के होते हैं, प्रभु सम्मित उपदेश, मित्र सम्मित उपदेश और कांता सम्मित उपदेश। प्रभु यानी मालिक का उपदेश हमें मानना ही पड़ता है, बाध्य है। मित्र का उपदेश मानने के लिए बाध्य नहीं है, अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, माने तो माने नहीं माने। और कांता पत्नी का उपदेश ये तो मानना ही पड़ेगा, नहीं मानेंगे तो जाएंगे कहाँ। तो पत्नी का उपदेश हमारे हित के लिए ही होता है, हमारे भले के लिए होता है, रुचिकर भी होता है। इसलिए काव्य रचना भी हमेशा हमारे भले के लिए होती है, हमारे रुचि के लिए होती है। तो काव्य लेखन का प्रयोजन कांता के समान उपदेश देने के लिए लिख माना जाता है। यहां नोट डालकर लिखेंगे, नोट में लिखेंगे, उपदेश तीन प्रकार के माने जाते हैं। उपदेश कितने प्रकार के माने जाते हैं? तो साहित्य के आदि में जो उपदेश मिलते हैं वो उपदेश तीन प्रकार के माने गए हैं। तीन प्रकार के उपदेश होते हैं। तीन प्रकार के उपदेश कौन सा होता है, कौन कौन से होते हैं? इसमें पहला लिखेंगे प्रभु सम्मित उपदेश। पहला उपदेश है प्रभु सम्मित उपदेश। ये कौन सा होता है? देखेंगे, यह उपदेश, यह उपदेश हितकर तो होता है, हितकर तो होता है, परंतु रुचिकर नहीं होता है। जो प्रभु सम्मित उपदेश है वो हमारे लिए हित करने वाला, भला करने वाला तो होता है, लेकिन हम उसमें रुचि नहीं लेते हैं, वो रुचिकर नहीं होता। यह उपदेश हितकर तो होता है परंतु रुचिकर नहीं होता। आगे लिखेंगे, फिर भी इस उपदेश को मानने के लिए, फिर भी इस उपदेश को मानने के लिए हम बाध्य होते हैं, फिर भी इस उपदेश को मानने के लिए हम बाध्य होते हैं, इसका हम कभी उल्लंघन नहीं कर सकते। एक तरह से प्रभु का अर्थ हो गया मालिक, हमारा जो स्वामी है वही प्रभु है। यदि अपना स्वामी मालिक हमें नौकर को या कोई बात कहता है तो क्या नौकर मालिक की बात को उल्लंघित कर सकता है? नहीं करेगा। तो ये क्या है? इस उपदेश को मानने के लिए बाध्य होते हैं। कौन सा उपदेश है वो प्रभु सम्मित उपदेश माना जाता है? तो इसमें लिख लेंगे, वेदों का उपदेश, वेदों का उपदेश
प्रभु सम्मित उपदेश ही माना जाता है। वेदों का उपदेश प्रभु सम्मित उपदेश ही माना जाता है। हमारे जो चार वेद हैं, उन वेद शास्त्रों में जो बात लिख दी गई वो हमारे भले के लिए लिखी गई है, लेकिन वेदों को पढ़ने में हमारी रुचि नहीं होती है। तो ये हितकर तो होता है लेकिन रुचिकर नहीं होता। फिर भी ये हमारे लिए प्रमाण है, हम कोई भी चीज देखते वेदों में ऐसा लिखा हुआ है तो वो सही लिखा हुआ होगा, ऐसा सोचकर हम उसको मान लेते हैं, मानने के लिए बाध्य हो जाते हैं। तो वेदों में जो बातें लिखी गई हैं वो वेदों का उपदेश ही प्रभु सम्मित उपदेश माना जाता है। फिर दूसरा उपदेश कौन सा होगा? वह आता है मित्र सम्मित उपदेश। मित्र के द्वारा दिया गया उपदेश ये उपदेश कौन सा होगा? लिखेंगे यह उपदेश हमारे लिए हितकर भी होता है। हितकर हित करने वाला, भला करने वाला, हितकर भी होता है एवं रुचिकर भी होता है। अच्छा भी लगता है हमें, भला भी करता है, अच्छा भी लगता है। यह उपदेश हमारे लिए हितकर भी होता है एवं रुचिकर भी होता है। परंतु इस उपदेश को मानने के लिए हम बाध्य नहीं हैं। माने तो अपनी मर्जी, नहीं माने तो अपनी मर्जी। मित्र हमें अपनी बात कह देगा, अपना सुझाव दे देगा, मानना न मानना हमारे ऊपर निर्भर है। तो एक मित्र की तरह जो बात बताई जाती है वो हितकर भी होती है, रुचिकर भी होती है, लेकिन मानने के लिए हम उसे बाध्य नहीं है कि हम उसको माने ही माने। तो इसमें ऐसी चीजें किसमें आएंगी? वेदों का उपदेश तो प्रभु सम्मित उपदेश हो गया। मित्र सम्मित उपदेश कौन से होते हैं? तो इसमें लिखेंगे समस्त पुराणों या ऐतिहासिक ग्रंथों का, इतिहास के ग्रंथों का, ऐतिहासिक कोष्ठ में आप इतिहास लिख सकते हैं, इतिहास ग्रंथों का उपदेश इसी श्रेणी में रखा जाता है। पुराणों में जो, वेदों में जो बातें लिखी गई हैं उनको मानने के लिए हम एक तरह से बाध्य से हो जाते हैं, हमें मानना ही पड़ता है, कैसा लिखा है तो सही लिखा होगा। लेकिन पुराणों में अगर कोई बात लिखी हुई है तो हम ऐसे मान देंगे किसी ने अपनी कल्पना से भी लिख दिया होगा। बात अच्छी तो होती है, लगती अच्छी है, रुचिकर है, हितकर भी है, लेकिन हम उसको प्रमाण माने ये जरूरी नहीं है। तो इनका उपदेश इसी श्रेणी में आता है। फिर चलते हैं तीसरा, कांता सम्मित उपदेश। कांता सम्मित उपदेश कौन सा होता है? इसमें लिखेंगे यह उपदेश भी हमारे लिए हितकर भी होता है, एवं रुचिकर भी होता है।
हितकर भी होता है एवं रुचिकर भी होता है तथा इस उपदेश को हमारे द्वारा हमारे या सभी के द्वारा सहज ही स्वीकार भी कर लिया जाता है। मना करने की तो बात ही नहीं होती है, सहज ही स्वीकार भी कर लिया जाता है। पत्नी कांता कोई भी बात कहती है वो हमारे भले के लिए होती है, हमारे लिए रुचिकर भी होती है, और हम या कोई भी व्यक्ति है वो हितकर रुचिकर बात को सहज स्वीकार भी कर लेता है, इसलिए इस उपदेश को सहज स्वीकार भी कर लिया जाता है। वेदों का उपदेश प्रभु सम्मित उपदेश है, पुराणों का इतिहास ग्रंथों का उपदेश मित्र सम्मित उपदेश है। तो बताएं कांता सम्मित उपदेश में कौन आएंगे, तो वो है काव्यम, काव्य कांता सम्मित उपदेश के लिए लिखा जाता है। तो इसमें लिखेंगे रामायण महाभारत इत्यादि सभी काव्य रचनाओं का, यहां आदि शब्द लिख लें दो के साथ में आदि सभी काव्य रचनाओं का उपदेश आदि काव्य रचनाओं का उपदेश इसी श्रेणी में रखा जाता है, यानी कांता समित उपदेश। काव्य की बातें रुचिकर भी होती हैं, हितकर भी होती हैं, और जो भी कोई व्यक्ति काव्य पढ़ता है वो इस उपदेश को इनकी बातों को सहज स्वीकार कर लेता है, इसलिए ये उपदेश इसी श्रेणी में रखा जाता है। ये तीन प्रकार के उपदेश हैं, प्रभु सम्मित, मित्र सम्मित और कांता सम्मित उपदेश हो जाते हैं। इन उपदेशों के आधार पर काव्य लेखन किया जाता है। अब चलते हैं, ये छह प्रयोजन आपके सामने आ गए, काव्य लेखन क्यों किया जाता है। तो मम्मट ने छह प्रयोजन बताए हैं, पहला यश से, दूसरा अर्थ कृते, तीसरा व्यवहार विदे, चौथा सिवेतर सतिये, पांचवा सद्य है परिनिवृत्तिये, और छठा हो गया कांता समितयो देश युजे। तो बताएं इत्यादि शब्द क्यों हटाया, इसका कारण कि एक या दो उदाहरण होते हैं तो आदि शब्द लिखा जाता है, और उदाहरणों की संख्या दो से ज्यादा होती है तब हम इत्यादि का प्रयोग करते हैं, इसलिए हमने दो ही उदाहरण लिखे थे रामायण महाभारत, तो फिर आदि हो गया, तीसरा कोई और नाम लिख देते तो इत्यादि लिख देते। ये छह प्रयोजन हो गए। अब पूछ लिया इन छह में से सकल मूलीभूत प्रयोजन कौन सा माना जाता है, तो उत्तर होगा सद्य है परिनिवृत्ति, आनंदोपलब्धि जो है वो सकल मूलीभूत काव्य प्रयोजन, सभी विद्वानों का काव्य प्रयोजन माना जाता है। अब देखिए ये जो छह प्रयोजन है इनमें से कवि से संबंधित प्रयोजन कितने हैं और पाठकों से संबंधित प्रयोजन कितने हैं, उनका भी विश्लेषण पूछा जा सकता है। तो लिखेंगे नीचे विशेष तथ्य या नोट डालकर, इसमें लिखेंगे आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित इन छह काव्य प्रयोजनों को आचार्य मम्मट द्वारा प्रतिपादित इन छह काव्य प्रयोजनों को इन छह काव्य प्रयोजनों को पुनः दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है, दो श्रेणियों में
वर्गीकृत किया गया है वो दो श्रेणियां कौन कौन सी मानी जाती हैं। पहली श्रेणी आती है कवि से संबंधित काव्य प्रयोजन, इन छह में से कवि से संबंधित काव्य प्रयोजन कौन सा माना जाता है या कौन से माने जाते हैं, तो उत्तर होता है तीन। छह में से तीन प्रयोजन है उनका संबंध हम कवियों से मान सकते हैं। वो तीन कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला यशसी, यश की प्राप्ति किसको होगी, कवि को होगी या पाठकों को होगी, तो काव्य लिखने से जो यश अमरता कीर्ति प्राप्त होगी वो पाठकों को होती है, तो इसका संबंध कवि से हो गया। दूसरा अर्थकृति, दूसरा है अर्थकृति धन की प्राप्ति, धन की प्राप्ति किसको होगी, पाठकों को होगी या आप कवियों को होगी, तो ये भी सीधा सीधा सा उत्तर है, धन मिलेगा तो जो कविता लिखेगा उसको धन मिलेगा, तो इसका संबंध भी कवि से हो गया। और तीसरा है सीवेतर क्षतिये, यानी अमंगल का विनाश, जैसे हनुमान बाहुक लिखा तुलसीदास जी ने, तो भुजाओं की पीड़ा किसकी समाप्त हुई, हनुमान जी की, तुलसीदास जी की हुई, तो उनका खुद का हो गया, तो ये अमंगल का विनाश है वो भी कवि से संबंधित माना जाता है। हालांकि इसको हम पाठकों से भी जोड़ सकते हैं कि पाठक भी अपने किसी अमंगल का विनाश करवाने के लिए इन काव्य रचनाओं का पाठ करवाते हैं, कभी सुंदरकांड का पाठ, कभी रामचरितमानस का पाठ, ये चीज है, लेकिन मूल इसका संबंध कवि से ही माना जाता है। और दूसरा आता है पाठकों से संबंधित काव्य प्रयोजन, पाठकों से संबंधित काव्य प्रयोजन भी कितने हो जाएंगे, अब तीन, जो शेष बच गए, तीन शेष कौन से बचे, पहला है व्यवहार विधे, व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति, पाठक काव्य रचनाओं को पढ़ेगा तो उन पाठकों को ही व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, इसलिए यहां पर हम व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति किसको होती है, पाठकों को होती है, इसीलिए हम इसको पाठकों से संबंधित कर देते हैं। दूसरा होता है सद्देह परिनिवृत्ति, सद्देह परिनिवृत्ति आनंद की प्राप्ति, और ये आनंद की प्राप्ति हालांकि कवियों को भी होती है, लेकिन मुख्यतः जो भी पाठक काव्य रचना को पढ़ता है तो पाठकों को पढ़ते ही तुरंत उसे आनंद की प्राप्ति हो जाती है, इसलिए यहां पर आनंद की प्राप्ति पाठकों को होती है। इसके बाद में तीसरा है कांता समितोपदेश युजे, ये पत्नी के समान उपदेश किसको प्राप्त होगा, वो भी पाठकों को मिलेगा, तो इसका संबंध भी पाठकों से माना जा सकता है। तीन का संबंध कवियों से है, तीन का संबंध पाठकों से है। कुछ विद्वान या व्याख्याकार हैं उनको तीन श्रेणी में बांट देते हैं। तीन श्रेणियां कौन सी बनाते हैं, पहली कवि से संबंधित, दूसरी पाठकों से संबंधित, तीसरी दोनों से संबंधित, उभय। कवि से संबंधित में दो ले लेते हैं यश से और अर्थकृति, पाठकों से संबंधित में दो ले लेते हैं व्यावहारिक ज्ञान की प्राप्ति और कांता के समान उपदेश। लेकिन जो दो हैं अमंगल का विनाश पाठकों का भी हो सकता है, कवि का भी हो सकता है, आनंद की प्राप्ति आत्मसंतुष्टि ये कवियों को भी हो सकती है, पाठकों को भी हो सकती है, तो ये तीन श्रेणी में भी बांट दिया जाता है, लेकिन वास्तविकता में दोनों को हम दो श्रेणी में बांटेंगे, कवि से संबंधित तीन प्रयोजन और पाठकों से संबंधित
तीन प्रयोजन, ये मम्मट के द्वारा किया गया काव्य प्रयोजनों का विश्लेषण था। इस तरीके से मम्मट ने काव्य प्रयोजनों का प्रतिपादन किया है। ठीक है, आज के लिए इतना। अब शिक्षण विधियों की क्लास होगी कल से, ये क्लास पूरी जो दो घंटे है वो आपकी काव्य शास्त्र की ही रहेगी। कल शिक्षण विधियों का जो समय है वो सुबह 9 बजे से रहेगा, सुबह 9 बजे से आपकी शिक्षण विधियों की क्लास होगी। और कोई परिवर्तन होगा तो चैट बॉक्स में मैसेज डाल दिया जाएगा।